भगवान जो आपको भोग लगावे उसके हृदय में आपका वास हो। तो घर को बहुत सात्विक बनाइए, रसोई को साफ सुथरा करके धो धा करके। और ठाकुर जी के लिए एक परात छोटी सी कड़ाई, उनके लिए थोड़े बर्तन अलग कर लो आपके घर में, यदि लहसुन प्याज चलता है। अब जो परिवार लहसुन प्याज खाता है वो खाता है, चलो वो धरती में से पैदा होती है। अब मैं इतना विरोध करना शुरू कर दूंगा तो ये बच्चे फिर तुमको वृंदावन भी नहीं आने देंगे। अब तो तुम वृंदावन में ही रहो, फिर यहाँ जरूरत ही क्या है। तो ऐसा कर लो दीदी, ऐसा कर लो, छोटी सी एक वो क्या बोलें कढ़ाई, भगवान को छोटी सी कोई भगोनी पतीली, छोटी सी और कोई जिसमें आप उनको बना सकें, ठाकुर जी को बना दो, भोग बना दो और ठाकुर को भोग लगा दो, और वह प्रसाद जो आपकी रसोई बनाई है उसमें वो डाल दो। हाँ, उसमें वो डाल दो तो मुझे विश्वास है कि एक दिन वो आएगा कि कुछ उल्टा पुल्टा बाजार का भी खाते हैं इनकी भी मति सुधर जाएगी उसके प्रभाव से। वो प्रसाद है, प्रसाद हम सर्व दुखानाम, प्रसाद संपूर्ण दुखों का नाश करता है। भले ही कलयुग में बहुत दोष हैं, लेकिन कलयुग में ये गुण भी है। इस कलयुग में देवी देवताओं की पूजा करके जीवन उद्धारित हो जाता है। भगवान के नाम का कीर्तन करते करते मैं सुबह भगवान को निलाता हूँ। आज से मैंने भी अपने बिल्कुल कल से ही रूल चेंज कर दिए। कभी कभी थोड़ा तो मैं इन बच्चों के ऊपर भी, क्यों काम इतना होता तो मैं इनको बोल देता थोड़ा सा भगवान को तुम निलाओ, और तब तक मैं अभिषेक में और भी कुछ पूजा में मैं आके बैठ जाऊँगा। लेकिन मैंने कहा कि कितना भी मैं व्यस्त हूँ, अब भगवान को टोटली पूरे दरबार को मुझे ही स्नान कराना है। कुछ मेरी इतनी व्यस्तता हो गई थी। अब मेरे मंदिर में झमेला भी बहुत है, ऐसा कोई देवता ही नहीं है जो ना हो, सगरे देवता हैं। लेकिन आनंद मेरे तो हाथ की रेखाएं बदली हैं इनको निला निला करके, इनको पूजा करके। मेरा कुछ क्रम अद्भुत होता है पूजा का। पूजा करते समय हमने मोबाइल में विष्णु सहस्रनाम वो पूरा हो गया, तो फिर उसमें शिव तांडव वो भी पूरा हो गया, गोपी गीत वो भी पूरा हो गया, तो द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र ये सब कर लिया करें आप। कभी कोई कीर्तन लगा दो, आजकल तो रुद्राष्टाध्यायी पूरी मोबाइल में पड़ी हुई है, हम लोगों के यहाँ की पड़ी है, उज्जैन का पूरा अभिषेक पड़ा है, मोबाइल में लगा दो उसको, आप भगवान को नहलाते रहो, पूजा करते रहो। कुछ ही दिन में घर का वातावरण बदलते हुए आप देखें। छोटे छोटे या मिट्टी के दिए बनवा लो, या पीतल के या चांदी के, 5, 7, 11 सुबह 5 दिए जला लो और शाम के समय में 7 दिए, सुबह भी 7 और शाम को भी ये जला सकते हैं। पूजा बहुत अच्छे प्रमाणित हो जाती है जब उसमें दिए जलाए जाते हैं। 2 कटोरी छोटे छोटे और रखो, एक रोली के लिए और एक चंदन के लिए। गमलों में कुछ पूजा के लिए फूल लगा लो। हाँ, ये बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा। कलयुग के दोषों से सब चीजें हमें बचाते हैं। मैं प्रमाण के साथ कहता हूं, जिनको बहुत भारी क्रोध आता है वो पुष्पार्चन करें, गंगा का आचमन करें, क्रोध भाग जाएगा, दूसरे देश में रहेगा ही नहीं, आसपास नहीं रहेगा, जीवन बहुत आनंदित मग्न।